सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैट एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त रजत फसल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करने वाले एक बाथरूम, ठीक है, एक सिंपल बाथरूम डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम यहां पे एक शावर और डब्ल्यूसी और सिंक देंगे और उनका एक पाइप कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे जो कि मेनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम प्लान डिज़ाइन करते हैं, रेजिडेंशियल प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें प्लम्बिंग का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम वो करने वाले हैं और प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से हम करते हैं इसके अंदर। और हाँ, हमने इसके ऊपर पूरा अपना कोर्स भी बनाया हुआ है, बाकायदा रेविट MEP के ऊपर पूरा डिटेल में बनाया है। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारा PTS CAD Expert का ऑफिशियल ऐप, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटरफेस पे हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो है फाइल ओपन हो गया है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब है और हमारी जो फाइल है उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि MEP के काम के लिए हमें अपनी फाइल इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, न्यू फोल्डर में हमारी फ़ाइल है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल है और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर रखेंगे एंड देन ओपन। ठीक है, एज यू कैन सी, ये मैंने एक शॉर्ट एक बाथरूम के लिए बनाया है। इसमें हम सिर्फ बाथरूम डिज़ाइन कर रहे हैं और बाकी का तो प्लान की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ बाथरूम डिज़ाइन करेंगे और पाइप लेआउटिंग करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम स्टैप पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक शावर इंसर्ट करूँगा, तो प्लम्बिंग फिक्सचर में जाते हैं और यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे, लोड करेंगे और हमारी जाएंगे फैमिलीज में। तो फैमिली में यहाँ पे जाएंगे रेविट कंटेंट पे, यहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरीज इंडिया और यहाँ मैं जाऊँगा प्लम्बिंग वाले पार्ट पे, ठीक है, और यहाँ से मैं जाऊँगा MEP फिक्सचर्स, यहाँ पे शावर्स हैं और जो ये है ये वाला पार्ट है एम शावर स्टॉल विद स्ट्रीट, तो ये हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंड देन परफेक्ट अप्लाई, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, WC इंसर्ट करना है, तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे आएंगे इसमें और हमें यहाँ पे मिल जाएगा वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट का मतलब WC ही होता है और यहाँ पे हम इसके साथ कर देंगे इस तरह से अप्लाई, ठीक है। अब आते हैं सिंक की। तो सिंक का अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ देखी हैं MEP के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि सिंक अगर जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, तो जब हम यहाँ पे सिंक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, सिंगल सिंक है हमारा, वेट अ सेकेंड, हमारा जो सिंक है ये वाला। अब ये देखिए, यहाँ पे तीन तरीके से अप्लाई होता है, प्लेस ऑन वर्टिकल प्लेन, प्लेस ऑन फेस, ठीक है, और प्लेस ऑन वर्क प्लेन, ठीक है, वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग। अब वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना सही रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एलिवेशन पर जाएंगे प्लम्बिंग के, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे जाएंगे आर्किटेक्चर टैब पे, यहाँ पे मिलेंगे हमें रेफरेंस प्लेन। तो हमें रेफरेंस प्लेन ही जनरेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग ही हमारा सिंक को अप्लाई करते हैं। तो मैं 4 फिट का रेफरेंस प्लेन रख रहा हूँ, क्योंकि जो सिंक है वो 3 या 4 फिट के ऊपर ही होता है ज़मीन से, जो फ्लोर लेवल है उससे। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ हम इसका नाम रख देंगे, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ हम नाम रख देंगे सिंक लेवल, ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे प्लम्बिंग लेवल पे और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा हमारा सिंक, ठीक है, प्लेस ऑन वर्क प्लेन, वर्क प्लेन चूज़ करेंगे, पिकअप यहाँ पे है सिंक लेवल, ठीक है, अप्लाई किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार इसको रोटेट करेंगे
ठीक है, और इसको कर लेंगे वॉल के साथ अलाइन। ठीक है, ये अलाइन टूल है, सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और अप्लाई हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये अप्लाई हो गया है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो अब यहाँ पे हमें जो हमारा तीन हम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहला है कोल्ड वाटर सिस्टम, उसके बाद हॉट वाटर, और उसके बाद हमारा सीवेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं कोल्ड वाटर सिस्टम, जहाँ से हमारा पानी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो कोल्ड वाटर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं इसको जाता हूँ ईस्ट एलिवेशन पे, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो मैं पहले तो इसको हाइड कर लेता हूँ, HH प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और हमें रखना है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, ऑब्वियस सी बात है, तो हम कोल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं पाइप का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, हम रखेंगे 3 फीट बाई 4 इंच का। ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारा पाइप कनेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर सप्लाई है वो ऊपर से ही आती है, एंड देन यहाँ पे फिनिश कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा। ठीक है, HR, अब आते हैं यहाँ पे हमारे WC पे। ठीक है, मेन जो हमारा है, और यहाँ से भी मैं क्रिएट करूँगा, हम वापस उसी पे आ जाते हैं, आसान रहेगा हमारा, क्योंकि मेन यही है। तो हम यहाँ से इसको लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जाएंगे और इसके साथ इसको कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि वाटर सप्लाई सबका सेम रखना है, इस तरीके से रख लेंगे, एंड इट्स क्रिएटेड। तो अब अगर हम, मैं 3D में आके चेक करना है तो हम 3D में आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी इस तरीके से आ रहा है हमारा, और वाटर सप्लाई भी सेम उसी तरीके से आएगा डिवाइड होके। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो हम यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द डिटेल। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा जो वाटर सप्लाई है वो हो गया है। अब हमें करना है शावर के लिए, तो शावर के लिए भी हम करेंगे यहाँ पे। तो मैं आ जाता हूँ नॉर्थ एलिवेशन पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई के लिए डिज़ाइन करते हैं। क्लिक किया, मेरे को डोमेस्टिक कॉल वाटर ही डिज़ाइन करना है अभी के लिए। क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ से इसके बराबर लेके आना है, बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा आगे रख लेते हैं अभी, और यहाँ आ जाते हैं प्लम्बिंग पे। ठीक है, प्लम्बिंग टू पे आ जाते हैं, तो यहाँ से हमें अभी दिख रहा है, ये रहा हमारा पाइप। 3 में चेक करते हैं इसको एक बार, तो ये काफ़ी ऊपर चला गया। ठीक है, इसके ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो मैं यहाँ पे एलिवेशंस पे आ जाता हूँ, और यहाँ से पाइप लेंगे, हम लेंगे सिस्टम स्टेप पे पाइप। ठीक है, पाइप का डायमीटर सेम वही है। ठीक है, और इसको कर देंगे कनेक्ट इस तरीके से, थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, और इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इट्स कनेक्टेड, और आप चेक कर लेते हैं हमारा जो पाइप सिस्टम है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, तो ये विजुअल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो हमें करना पड़ेगा ठीक से। तो अब हमें पता चल गया कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो पाइप का जो वेरिएशन इधर जाने के बजाय हम इधर से दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं T। ठीक है, और जो ये कनेक्शन है यहाँ से हटा देंगे, ये फ्रंट है तो साउथ में जाना, मैं साउथ में जाएंगे, तो यहाँ से फ्रंट के लिए यहाँ से मैंने पाइप को सेलेक्ट किया। और यहाँ से, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, वो करेंगे तो एज यू कैन सी नाउ इट्स परफेक्टली कनेक्टेड, तो हमारा जो वाटर सप्लाई है वो अब क्रिएट हो गया है।
अब अगला आता है हमारा हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के लिए हम नीचे से ही देंगे, हमारा जो लेवल रहेगा वो थोड़ा अलग रखेंगे। इनके लिए दो सिस्टम है, तो हम यहाँ पे अलग से रख लेते हैं। तो यहाँ से जो है मैं जाता हूँ फिर से प्लम्बिंग पे, सॉरी ईस्ट पे आ जाते हैं। अब हमें हॉट वाटर के लिए डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे ठीक है इधर से, और मैं आ जाता हूँ प्लम्बिंग लेवल 1। ठीक है, सॉरी नॉर्थ पे आना पड़ेगा। ठीक है इस तरीके से, और यहाँ से मैं आता हूँ सिस्टम स्टैक पाइप, पाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पाइप है वो इसी तरफ से आएगा, क्योंकि हीटर वगैरह हम इधर ही देने वाले हैं, तो हीटर के लिए हम यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा हॉट वाटर के लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं जाता हूँ गीस एलिवेशन पे। ठीक है, HR, तो पाइप लेंगे और यहाँ से हम इधर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं और दोनों को कनेक्शन अलग अलग रख लेंगे। ठीक है, ताकि जो फ्लो है वो बना रहे। और यहाँ से मैं जाता हूँ नॉर्थ पे, दोनों का फ्लो फ्लो इसलिए अलग अलग रखे हैं ताकि क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार मैंने कहा ना आपको, अगर आपने MEP पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हमेशा जो है दोनों का फ्लो अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ले आएंगे। अब ये देखते कि ये इंटरफेयर तो नहीं कर रहा कहीं, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही बिल्कुल भी, परफेक्ट। तो हमारा जो हॉट वाटर है कोल्ड वाटर है वो दोनों ही डिज़ाइन हो गया है। अब आखिर में जो हमारी मेन बारी आती है वो आती है सीवेज सिस्टम डिज़ाइनिंग की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो वेस्ट वाटर है उसके लिए भी हमें वी देना है। तो यहाँ पे हम अब इसको डिज़ाइन करेंगे। तो वेस्ट वाटर के लिए मैं फिर से आ जाता हूँ ईस्ट पे। ठीक है, और यहाँ से हम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा क्योंकि रेडियस का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और मैं जाऊँगा नॉर्थ पे। सिस्टम्स टैब पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आउटर की तरफ ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम करेंगे डिज़ाइन। ठीक है, इस तरीके से बराबर लेके आएंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया हमारा, इस तरीके से आ रहा है हमारा जो हमारा वेस्ट वाटर पाइप है। अब बचा है इसका, तो इसके लिए भी हम कर लेते हैं। तो ये है आपका साउथ एलिवेशन, तो मैं साउथ एलिवेशन पे आऊँगा यहाँ पर इस तरीके से। तो इसके लिए अलग से वही रख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वही रख लेंगे और इसे इसके साथ रख लेंगे। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो ये वाला पाइप कनेक्शन है हम इसमें भी दे सकते हैं, बट अगर आप अलग रखना चाहें तो आप अलग भी रख सकते हैं। बाथरूम का वेस्ट अलग रहेगा और इनका वेस्ट भी अलग रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है बाथरूम जो हमने डिज़ाइन किया वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यही था हमारा सिंपल बाथरूम डिज़ाइन, कि हम पाइप सिस्टम किस तरह से रखते हैं, हॉट वाटर सिस्टम कोल्ड वाटर सिस्टम किस तरह से रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन कर ली हैं। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यही था हमारा पूरा बाथरूम डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। हम ऐसे ही यूनिक कॉन्टेंट लाते रहते हैं और ऐसे हम सिस्टम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, हम हाउस डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सारी चीज़ हम इस यूट्यूब चैनल पर करते ही रहते हैं। इसके अलावा हमने रेविट MEP के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है डिटेल में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है,
हमारा ऑफिशियल ऐप है, उसके ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज रजत फासलिया सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फॉर पीटीएस कैट एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।